एरोप्लेन में बैठने से पहले यह खुफिया राज आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपसे यह छुपाई जाती है। नंबर वन, यात्रा के दौरान पायलट के सो जाने पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑटो पायलट मोड में प्लेन बिना किसी रुकावट के अपने मंजिल पर पहुंच सकता है। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम में पायलट का होना बेहद जरूरी है। नंबर टू, एरोप्लेन में यात्रा करने के बीच आप सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि सबसे जोखिम भरा चरण प्लेन का टेकअप और लैंडिंग ही होता है, क्योंकि अक्सर दुर्घटना इसी दौरान होती है। नंबर थ्री, एरोप्लेन के अगली सीट यानी कि फर्स्ट क्लास सीट के मुकाबले पीछे वाले लास्ट क्लास का सीट ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि दुर्घटना के दौरान लास्ट क्लास के पैसेंजर के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर फोर, आपने तो देखा ही होगा कि यात्रा के दौरान कुछ घंटों तक क्रू मेंबर और एयर होस्टेस आपको नजर नहीं आते। तो दोस्तों, दरअसल यह लोग अपने अपने केबिन में टांग पसार कर सोने चले जाते हैं। नंबर फाइव, आपको ऐसा लगता होगा कि एरोप्लेन का एक इंजन फेल होने के बाद प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। जी हाँ, कुछ प्लेन के एक इंजन फेल होने के बावजूद भी दूसरे इंजन से विमान 5 घंटों से अधिक उड़ान भर सकता है और आपको सुरक्षित बचा भी सकता है।